हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल सिर्फ पार्लियामेंट की बात करता है, कुछ अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को ही दिया जाता है, जैसे आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3। रेसिडेंस के आधार पे रिजर्वेशन कौन सा राज्य दे सकता है, स्टेट कोटा कौन सा दे सकता है, ये सिर्फ पार्लियामेंट को ताकत है कि कौन से राज्य को यह अधिकार है। आर्टिकल 32 सब क्लॉज 3, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा कौन सी कोर्ट रिट जारी कर सकती है, ये ताकत सिर्फ पार्लियामेंट को है। आर्टिकल 33, कौन कौन से ऑक्यूपेशन में फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट करना है, ये ताकत सिर्फ पार्लियामेंट को है। आर्टिकल 34, मार्शल लॉ का आइडेंटिफिकेशन सब कुछ पार्लियामेंट ही तय करेगा, ये अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आर्टिकल 35 के अंदर जितने आर्टिकल्स की बात हुई है, जितने भी क्लॉजेस की बात हुई है, उनके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे रिलेटेड अगर कोई नियम कानून बने, मतलब आर्टिकल 35 में जितने भी क्लॉजेस की बात हुई है, जैसे 16, 32, 33, अगर पहले से कोई लॉ बना हुआ है तो वो लॉ आगे भी एप्लीकेबल रहेगा अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट उस लॉ को ख़त्म ना कर दे या उस लॉ को अमेंड ना कर दे। बस इतना समझना है हमें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्ट होने से पहले कोई भी नियम कानून था जो कि इन पर्टिकुलर इशू के साथ डील करता था, जो कि अभी हमने देखा, तो वो नियम कानून एप्लीकेबल होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद भी, अनटिल एंड अनलेस हमारी पार्लियामेंट उसमें चेंजेस ना कर दे या उसको ख़त्म ना कर दे।